हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करते हैं करंट अफेयर के ऊपर, ठीक है, कि अपन को आरआरबी के लिए, आईबीपीएस के लिए करंट अफेयर कितना पढ़ना है। तो मैं आपको बेसिक बेसिक पहले आईबीपीएस पीओ के लिए बता देता हूँ। लास्ट 6 मंथ का, यदि आईबीपीएस पीओ को कोई टारगेट करता है तो वो जून से स्टार्ट हो जाए, सॉरी जुलाई से। अभी क्या है, जुलाई अगस्त चल ही रहा है, तो आप अभी इन दोनों मंथ का कर सकते हो। जुलाई से लेकर टिल नवंबर तक करना है, जब भी उसका मेंस होगा, दिसंबर में होगा मेंस जो या नवंबर में होगा। तो आईबीपीएस पीओ वालों के लिए मैं शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क वालों को क्या है, एक मंथ पीछे से ले लेना, जून से ले लेना, ठीक है। उसके बाद में अपन जब भी आईबीपीएस क्लर्क का मेंस आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। अब बेसिकली मैं पूरा आपको करंट अफेयर बताता हूँ कि एक्चुअल में करना क्या होता है करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। तो करंट अफेयर करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ कि जैसे मैंने भी आरबीआई का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे 24 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और 16 क्वेश्चन थे स्टैटिक बैंकिंग के, ठीक है। पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आए, अब म्यूजिक की आवाज़ आए तो अवॉइड करना है यार, मेरा घर मेन रोड पे है, ठीक है, इस वजह से। पहला आरबीआई का दिया था मैंने, दूसरा ईसीजीसी पीओ में दिया, ठीक है। उसमें 32 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे, 8 क्वेश्चन थे स्टैटिक बैंकिंग के, और जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे कोई 1996 का था यार, ये मैंने रिव्यू दिया हुआ है तो वो उस टाइप वहाँ के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे, और उसके बाद में आईडीबीआई बैंक था, वो मैंने नहीं दिया है, वो आईबीपीएस कंडक्ट नहीं करवाता, उसका करंट अफेयर देख के ना कुछ लोगों ने भी नीचे कल कमेंट किया था कि करंट अफेयर में कितना भी पढ़ लो मार्क्स नहीं आते। रीज़न पता है क्या है, आप शॉर्ट टर्म में आप चाहते हो कि हमें ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, यदि आप शॉर्टकट लोगे तो फिर मार्क्स भी शॉर्टकट में आएंगे ना। अब आपने करंट अफेयर 10 दिन में 6 मंथ का पढ़ दिया, और मैं फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं 6 मंथ से 6 मंथ का पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ में मुझसे आगे नहीं निकल सकते करंट अफेयर में, यदि मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ। मेरे जैसा जो भी कोई और होगा वो करंट अफेयर रेगुलर पढ़ रहा है, फिर आप दोष क्या देते हो, पेपर को देते हो। लाइक जस्ट लास्ट ईयर बताता हूँ, लास्ट ईयर हुआ क्या, सब ने आईबीपीएस पीओ का पेपर बोल दिया, बहुत ज़्यादा हार्ड है, 2-2 नंबर कट ऑफ गई थी, पेपर हार्ड है, लोगों के क्वेश्चन नहीं हो रहे, मेरे 20.75 नंबर थे। मैं पेपर में जब 25 क्वेश्चन करके आया था ना, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि यार पेपर तो बहुत ईजी आया, जैसे ही बाहर आया तो सब बोल रहे करंट अफेयर इतना हार्ड है, करंट अफेयर इतना हार्ड है। तो उसका रीज़न है, देखो मैं पढ़ता हूँ अड्डा का डेली करंट अफेयर जो ऐप से आता है, ठीक है, अड्डा का डेली करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर, ठीक है। यहाँ से मैं अपना करंट अफेयर करता हूँ पूरा अपना, यहीं से मेरा चल रहा है पूरा 1 साल से। तो आपको भी अपनी आदत बदलनी होगी, या तो कोई एक ऐसा सोर्स ले लो जिससे आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड चीज़ मिलती रहे, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज़ और बताता हूँ, टेस्ट बुक पर डील ऑफ द मंथ आ रहा है, 400 का पास मिल जाएगा, 499 वाला ईयरली पास, ठीक है। और आपको कोड यूज़ क्या करना है, GKB कोड यूज़ करोगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, ध्यान रखना कोड यूज़ करना GKB। अब जैसे मैं टेस्ट बुक के लिए मोस्ट ऑफ द को बोलता ही रहता हूँ, तो किस लिए बोलता हूँ कि जैसे अभी मैं मेंस की प्रिपरेशन है, तो मेंस में मैं स्टार्ट में क्या करूँगा, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए मैं इसी को ही दूंगा, इसके मेंस के मॉक दूंगा, ठीक है। तो जिस किसी को परचेज करना हो तो वो मेरा कोड यूज़ कर लेना। अब अपन करंट अफेयर के ऊपर बात करते हैं पूरा, कि करंट अफेयर में करना क्या क्या है आरआरबी पीओ के लिए। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लास्ट ईयर हुआ क्या था, 15 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, ठीक है, जो सभी कर सकते थे, बट आरआरबी पीओ की कट ऑफ कितनी थी, 4.5 नंबर आउट ऑफ 40। अब करंट अफेयर को यदि जिन्होंने अच्छा किया है उसके 15 नंबर मिनिमम थे, मिनिमम 15 नंबर थे, ठीक है। जैसे ही फोर, दूसरी चीज़ क्या थी कि आरआरबी क्लर्क है उसकी 1.5 थी, उसके मैं बताता हूँ 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। अब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो 12 क्वेश्चन तो किए ही होंगे ना, अब 1.5 नंबर की कट ऑफ तो निकल ही जाएगी। अब आपको यही चीज़ करनी है कि करंट अफेयर में जो लास्ट के 3 मंथ है, लास्ट 3 मंथ मीन्स जैसे सेप्टेम्बर 15 तक, ठीक है, और उसके बाद में अगस्त, जुलाई, जून, ये 4 मंथ आपको आपके 200% आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। चाहे आप सोर्स कोई भी यूज़ कर लो, फेयर क्लाउड यूज़ कर रहे हो, स्टडी IQ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, द हिंदू रिव्यू अड्डा वाला यूज़ कर रहे हो, कहीं भी कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है।
आपको 200% इसके ऊपर कमांड होनी चाहिए कि यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मैं एक चीज बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में पढ़ना, जो ये क्विज लगाते हैं ना, क्विज वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर वाले, उनको मैं बता रहा हूँ। फिर वही वाली आपको नॉलेज ऊपर ऊपर से, देश का प्रधानमंत्री पीएम मोदी है, ठीक है, मोदी जी आपको बस इतना ही पता लगेगा, बट आपको मोदी जी के बारे में नहीं पता लगेगा। या फिर वो हो जाएगा कि भाई 26 जनवरी को देश का झंडा किसने लहराया था वहाँ पे लाल किला पे, तो आपको इतना पता मोदी जी ने, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जो मोदी जी ने वो अभी पंच वाली एक लाइन बोल रखी है, पांच लाइनों के ऊपर है, वो आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है कि करंट अफेयर पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ लेना, पहले ही बता रहा हूँ। यदि कोई ऐसे सोच रहा है कि मैं करंट अफेयर ऊपर ऊपर से क्विज वाला पढ़ लूंगा तो मेरे नंबर बन जाएंगे, तो वहाँ पे क्विज में ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे क्विज दिए वहाँ पे सेम डिट्टो छपेगी, वहाँ थोड़ा डिटेल में पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स आते हैं, इंडेक्सेस में क्या करते हैं, वैसे तो पहले मोस्टली इंडिया का पूछ लेते थे, ठीक है, आजकल क्या पूछते हैं, टॉप फाइव में से किसी का नाम पूछ लिया कि थर्ड पे कौन था, ठीक है। जैसे कोई विलम्बन ओपर है तो सबको पता है कि कौन जीता है, वो नहीं पूछते हैं, आजकल क्या है रनर अप पूछ लेते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम में क्या पूछते हैं, ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम है उसके अंदर क्या पूछेंगे कि पीवी संधु ने किसको हराया। आपको ये जितने भी गोल्ड आए हैं ना इंडिया में, जो उसका थोड़ा ध्यान रखना। जैसे हॉकी है, हॉकी में अपने क्या है कि भाई गोल्ड तो नहीं आया, बट अपन को हॉकी का गोल्ड याद रखना पड़ेगा कि गोल्ड किसने जीता है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स का। जैसे क्रिकेट में आया है, क्रिकेट में वुमेन्स क्रिकेट में अपन ने, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंडिया वाले किससे हारे हैं फाइनल में। अब ऐसे नहीं हो कि जिसको ब्रॉन्ज मिला है उसको सिल्वर मिला, कैसे नहीं, नहीं, वो टीम गेम्स हो गया। टीम गेम्स में आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत कि विनर में गोल्ड किसको मिला है, जो अपनी जहाँ पे इंडिया की टीम को सिल्वर या ब्रॉन्ज मिला हो, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल में जैसे किसी को ब्रॉन्ज मिला है तो उनको जरूरत नहीं, उनका सिर्फ ब्रॉन्ज याद करना है, वो किस कैटेगरी से थे, जैसे 65 केजी कैटेगरी से थे तो वो सब याद रखना है, ठीक है, इतना इन सब चीज़ों में याद रखना है। बाकी कॉमनवेल्थ गेम जब मैं लिख लूँगा, मैं याद कर लूँगा, तो उसके ऊपर अपन लास्ट एग्जाम टाइम से पहले एक वीडियो देख लेंगे, तो वो मेरे जो नोट्स होंगे उसमें से मैं आपको वो पूरा याद ही करवा दूंगा, ठीक है। पहले तो आप याद कर लेना ताकि आपका एक रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जो भी मेरी शॉर्ट ट्रिक बनेगी तो मैं शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बता दूंगा। तो अब आपको क्या है, देखो 6 महीने को कैसे डिवाइड करना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सीधा सीधा। 6th मंथ है, जैसे अभी 31 अगस्त आने में अभी लगभग 7 दिन है, 7 दिन में मेरे हिसाब से 2 मंथ का करंट अफेयर कर सकते हो, यदि आप 5-5 घंटे करंट अफेयर पढ़ोगे तो, ठीक है। अब कुछ कहेंगे हमारा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है तो एक एक घंटे के 2 मॉक होते हैं, एक सुबह एक शाम को, बाकी 12 घंटे में से यदि आप 3 घंटे भी स्टडी करते हो मॉक के ऊपर तो आपके 9 घंटे बचते हैं, 9 में से 5 घंटे भी करंट अफेयर पढ़ लेते हो तो भी आपके पास में 4 घंटे कुछ और पढ़ने के लिए। तो एक्सक्यूजेज आपके पास में हैं, यदि देना है तो दे लेना, नहीं देना तो आपकी मर्जी है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, सबकी अपनी अपनी होती है कैपेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्या है, सबसे पहले छोटा टारगेट रखना है, छोटा टारगेट लाइक 7 दिन का याद करना है, ठीक है। जैसे ही 7 दिन कंप्लीट होते हैं आपको 14 दिन का याद करना है, मतलब कि 7 से 7। अब जैसे 14 दिन का याद हो गया ना, मैं आपको एक चीज बताऊँ, आप सीधा 21 दिन पे मत जाना, आप 7 से वापिस 14 रिवाइज कर लेना। उस इंस्टेंट टाइम पे आपने रिवाइज कर लिया ना तो आपको ये 14 दिन का याद रहेगा हमेशा के लिए, हमेशा का मतलब थोड़ा बहुत जब भी आपने 2-3 दिन बाद में पढ़ा तो आपको याद आ जाएंगी सारी चीज़ें। और यदि सीधा 21 का पढ़ के 28 का पढ़ के मंथ कंप्लीट कर लिया तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। फिर ऐसे ही करना है, 14 से 28 पढ़ लिया, देन क्या करना, 14 से 28 जैसे 14 से 28 का पढ़ा फिर उसका भी रिवाइज कर लेना, फिर आपको एक रिवाइज और लगाना है, वो पूरा मंथ का लगाना है। तब वो मंथ का रिवाइज लगाओगे ना, आपको मैं बताता हूँ 4 घंटे में आपका पूरा मंथ रिवाइज हो जाएगा और एकदम आपको मंथ पूरा अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो इन यहाँ पे आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा के कैपेसिटी बढ़ा लो, चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ पे 2 मंथ का कर लेना, क्योंकि आगे जो दिन बचेंगे ना वो 15 दिन बचेंगे, 15 दिन में आपको मॉक भी लगाने पड़ेंगे, सेक्शनल मॉक भी लगाने पड़ेंगे और करंट अफेयर भी करना पड़ेगा रिवाइज पे। तो करंट अफेयर आपको 6 मंथ का करना है तो आपको मैं सीधा सीधा फंडा बताता हूँ कि आप ना जो भी 3-4 मंथ है ना पुराने वाले वो पहले निपटा लोगे तो आपके ज़्यादा फायदा रहेगा। जैसे अप्रैल, अब मेरा किया हुआ है तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, अप्रैल मई जून, ठीक है, इन 3 मंथ को इन 2 दिन में कर लो।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा बता देता हूँ। मैं मेरा मेरा ब्लॉग मेरा यदि आपको देखना है तो मेरे डेली के ब्लॉग्स मतलब तो नहीं आएंगे, 2-3 दिन में आएंगे। बैंकिंग ब्लॉग्स एंड मीम्स मेरा पेज है, वहाँ जाना आपको मेरे सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। उस पर जैसे आज भी मैं अपलोड करूँगा ब्लॉग तो वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें दिख जाएंगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैं जो पहले पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ अगस्त का जितना बचा हुआ है, ठीक है, जुलाई का, ठीक है, और जून का, ये 3 मंथ मैं कंप्लीट करूँगा इन 2 दिन में। तो आपको भी ऐसे करके करंट अफेयर को एक टारगेट लेके देखो आप। यदि ऐसे एक कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मुझसे करंट अफेयर याद नहीं होता, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, करंट अफेयर को याद करने का एक ही तरीका है, एक दिन का आपने पढ़ लिया ना, आप अपनी आइज़ को बंद करो, उसके बाद में आप समराइज करो कि आपने वो कितना याद किया। जैसे ही आपका वो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि यार मुंबई का कुछ याद था, मुंबई का कुछ था बट याद नहीं आ रहा क्या था, जैसे ही वो याद नहीं आए देन वहाँ पे वापस से जाना, उसको याद करोगे तो आपके वो माइंड में एकदम सेटअप बैठ जाएगा, ठीक है। और क्विज बाद में लगवाना, और एक आप पता है क्या, लाइनर वाली लैंग्वेज में पढ़ना, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो लाइनर लैंग्वेज ज़रूर यूज़ करना। ऐसे यदि सीधा क्विज मोड में पढ़ोगे ना तो मैं आपको बताता हूँ कि क्विज मोड में यदि थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूमा आपका आंसर गलत हो जाएगा या फिर आपका क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना ही बताना था, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अपना, तो इंस्टाग्राम पे करंट अफेयर मैं शेयर करता रहता हूँ, तो सारी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मैं करंट अफेयर की वो शेयर करता रहता हूँ। तो मैं नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।